हाय फ्रेंड, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए ओरियो बिस्किट से कैसे केक बनाया जाता है ये बताऊंगी। देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट और स्पंजी केक बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह का हम अभी केक बनाएंगे। आप इस नए वर्ष के शुभ अवसर पे इसे जरूर बनाइए और इसका मजा लीजिए। चलिए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूं। केक बनाने के लिए हमें चाहिए है, हमने 3 पैकेट ओरियो बिस्किट के ले लिए है, 10 रुपीस वाले पैकेट है, और 5 रुपीस वाला एक पैकेट पार्ले जी का लिया है। 2 टीस्पून पाउडर शुगर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 ग्लास हमने मिल्क लिया है। सबसे पहले हम बिस्किट्स को पैकेट से निकाल लेते हैं। हमने इसे पैकेट से निकाल लिया है। अब हम मिक्सर ग्राइंडर में इसे पीस लेंगे। इसका पाउडर बना लेंगे। हमने बिस्कुट्स को मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है, पाउडर तैयार कर लिया है। अब इसमें हम ये पाउडर शुगर मिला देते हैं और ये बेकिंग पाउडर और ये 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए, बैटर तैयार हो गया है। हमें इतना थिक बैटर तैयार करना है केक बनाने के लिए। इसमें हम थोड़ा एसेंस डाल देते हैं। 1/4 टीस्पून हम वनीला एसेंस डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। चाहे तो आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जो आपके मनचाहे ड्राई फ्रूट्स हो। बारीक बारीक कर लीजिए और उसे यहाँ मिक्स कर दीजिए। बहुत टेस्टी लगते हैं। जिस पॉट में हमें केक बनाना है उसे हमने रेडी कर लिया है। देखिए, इसमें मैंने घी लगा दिया है सभी तरफ से और अब हम इसे इसमें डाल देंगे। देखिए, हमने ये केक टिन में डाल दिया है। इसे हम थोड़ा अच्छे से थपथपा लेंगे ताकि इसकी एयर निकल जाए। अब हम इसे ओवन में रखेंगे। हमने ओवन को प्रीहीट कर लिया है। अब हम इसमें केक रख देंगे। प्रीहीट कर लिया है, 5 मिनट पहले ऑन किया था। अब हम केक को रख देते हैं और 180 डिग्री पे हम इसे बेक करेंगे। देखिए, केक बन चुका है। 15 से 20 मिनट में केक बनकर तैयार हो गया है। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा केक बना है क्या। देखिए, ये स्पून में नहीं लग रहा है, इसका मतलब केक बन चुका है। हमें 20 मिनट लगा है केक बनाने में। आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से बन जाता है। कुकर में 25 से 30 मिनट लगता है लो फ्लेम पे। आप कुकर में बना सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। केक ठंडा हो चुका है, हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। पहले इसके किनारे जिससे चाकू चला देते हैं। एक प्लेट लेंगे हम, इसके ऊपर रखेंगे और इसे सब तरफ से थोड़ा थपथपा देंगे। वो आप देखिए कितना सुंदर केक बनकर तैयार है। इसे हम सीधा कर लेते हैं। देखिए, इसे हम कट करके दिखाएंगे। देखिए कितना स्पंजी केक बनकर तैयार है। बहुत ही चॉकलेटी चॉकलेटी केक बना है।
आप भी इसी तरह केक बनाइए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।